लेक्सोटॉल 10 mg टैबलेट, इसे सेप्टलिस्ट लाइफ साइंस द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 81 रुपीज का, 1 श्री रुपये, जिसके अंदर 10 टैबलेट रहता है। अंदर जो मॉलिक्यूल एसिटॉल ओप्रोम ऑक्सलेट 10 mg है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, कब आपको लेना चाहिए, क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को आता है, और जैसे आप इसे ले रहे हैं 10 मिनट के बाद उल्टी आ जा रही है तो क्या करना चाहिए, अगर आप कोई डोज मिस कर जाए तो क्या करना चाहिए। तो अगर आप पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लैक्सोटॉल 10 mg का जो टैबलेट है, इसका इस्तेमाल एंटी डिप्रेशन के रूप में किया जाता है। जब आपके साथ में कोई ऐसी घटना हो गई जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं और वो आपको बार बार ख्यालात में आती है, या जैसे कि आपके साथ में कुछ ऐसा घटित हो गया है जो आपको काफ़ी परेशान कर रहा है और जिसकी वजह से आप ज़्यादा ही डिप्रेशन में रह रहे हैं, यानी ज़्यादा ही सोच में रहे, आपका फिजिकल अपीयरेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे हैं और सोच कहीं और है, जैसे आपकी आपके बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी बहुत कम है, तो उस समय डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। या जैसे कि आप ज़्यादा ही सोचते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, जैसे रातों में आप काफ़ी परेशान रहते हैं और आपको जैसे कि हमेशा कुछ बड़बड़ बड़बड़ करे रहते हैं, तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। तो जब जैसे कि आपको इस तरह की समस्या रहती है जैसे कि डिप्रेशन की, तो उस समय डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आपको इस तरह का अगर बीमारी है जिसके अंदर जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जायटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। और जैसे कि आपको काफ़ी तकलीफें होती है, जैसे कि आपके साथ में ऐसा लगता है कि कोई आगे पीछे आपके चल रहा है, जैसे कि आप तो समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है आपको, जिससे कि आपको डर भी लगता है, आपको थरथरी भी कांपती है, तो उस समय भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। यह काफ़ी अच्छा है, ये एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है। यह काफ़ी अच्छे से आपके अंदर जो सेरेटोनिन का लेवल रहता है उसे इंक्रीज करता है, जो एक मूड इन्हेंसर है, मूड और आपके बिहेवियर को चेंज करता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, इसलिए डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं। तो इसका जो डोज होता है वो ओडी भी हो सकता है, टॉयज भी हो सकता है, तो जिस तरह से डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से इसके बारे में जरूर कंसल्ट करें। यह वीडियो एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से लेंगे तो आपको कॉमन साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं आपके, और आपको जैसे कि स्वेटिंग हो सकता है, थरथरी भी लग सकती है, तो ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि आप इसे ले रहे तो इसे चबाए नहीं, क्रश नहीं करें, डायरेक्ट पानी के साथ में निकले, इससे फिक्स टाइम पे फिक्स डोज ले। बंद करने से पहले भी डॉक्टर से आप इसके बारे में जरूर कंसल्ट करें, ये तो आप सडनली बंद करेंगे और आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, तो इसे बंद करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे तो सिंगल डोज लें। अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार विजिट किए, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं जिसके मुझे काफ़ी ज़रूरत है, आपसे मदद की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा और आप अपडेटेड रहेंगे। और जैसे कि आपका डाउट है डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।